सब्सक्राइब कीजिए कैरिंग ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जो बनाने में तो बहुत आसान है लेकिन इसके फायदे इतने सारे हैं, खासतौर पर अगर आपकी बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर फॉल आपको बहुत हो रहा है, बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, बाल चिपचिपे और पसीना उनमें बहुत ज़्यादा आता है, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि किसी भी तरह का कोई फैंसी इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में नहीं ले रही हूँ, सारे इंग्रेडिएंट बड़ी आसानी से आपको आपके घर पर ही मिल जाएंगे और आप इसको बनाकर हफ्ते में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डेली भी यूज कर सकती हैं, अपने बालों में लगा सकती हैं और इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे ले सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग रेमेडी के बारे में जानना। और सबसे पहले मैं बताती हूँ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज कर रही हूँ, और जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है ऑनियन जूस। हम सभी जानते हैं कि जब भी बात होती है बालों की ग्रोथ प्रमोट करने की या बालों को डैंड्रफ फ्री करने की तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। ये आपके उन हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है जो कि स्लीप मोड में चले जाते हैं और जिसकी वजह से आपकी बालों की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए जब आप प्याज का रस अपने बालों में लगाते हैं तो हेयर फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं, आपकी बालों की ग्रोथ होती है, लंबाई उनकी बढ़ती है। साथ ही ऑनियन में सल्फर बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि ये आपके बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करता है, किसी तरह का छोटा मोटा इन्फेक्शन हो तो उसको ख़त्म करता है। और अगर डैंड्रफ वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही प्याज का रस आपके बालों को शाइनी बनाता है, सिल्की बनाता है। और वो लोग जिनके बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हमेशा बाल चिपचिपे से दिखते हैं, उनको अपने बालों में प्याज का रस जरूर लगाना चाहिए क्योंकि ये उनको नॉन स्टिकी बनाता है, उस चिपचिपेपन से छुटकारा दिलाता है। तो पहला इंग्रेडिएंट हुआ प्याज का रस या प्याज। इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी बात करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो एक बहुत ही अमेजिंग चीज है जो बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में, बालों के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने में बहुत फायदेमंद होती है, और वो है लौंग या क्लॉव। बहुत कम लोग जानते हैं कि लौंग में नेचुरली वो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करती हैं, बालों में चमक लाती हैं, उनको शाइनी और सिल्की बनाती हैं और हेयर फॉल को बंद करने में भी काफी इफेक्टिव मानी जाती है। अगर आप इस रेमेडी में लौंग को लेना नहीं चाहते, मैं यहाँ पर लौंग डायरेक्टली इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये आसानी से घरों में मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास लौंग का तेल है तो वो भी आप इस रेमेडी में ऐड कर सकती हैं। वो ज्यादा हैसल फ्री होगा और आपको यूज करने में ज्यादा आसान होगा, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो ज्यादा आसान तरीका ये है कि आप डायरेक्ट लौंग ले लें। और इस रेमेडी में कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अगला इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में ले रही हूँ वो है जिंजर। यहाँ पर जिंजर का जूस आपको लेना है और जिंजर भी बहुत अच्छा माना जाता है जब भी बात की जाती है बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने की, उन्हें डैंड्रफ फ्री बनाने की, उनमें चमक लाने की, और अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल आपको हो रहा है और उसको रोकने की, इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में जिंजर जूस बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ये भी आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। याद रखिए यहाँ पर ये जो मैं रेमेडी बना रही हूँ ये खासतौर पर आपकी बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए है। बहुत तेजी से आपके बालों की ग्रोथ होगी इस रेमेडी को यूज करने से, तो वो लोग जिनके बाल लंबाई में नहीं बढ़ रहे हैं या फिर बालों की ग्रोथ रुक गई है और हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन लोगों के लिए खासतौर पर ये रेमेडी बहुत फायदेमंद होगी। और अगर आपको कोई इंटरनल इश्यू नहीं है तो विद इन वन मंथ आपको इस रेमेडी के काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये तो था तीसरा इंग्रेडिएंट जिंजर जूस या जिंजर। अगली चीज मैं इस रेमेडी में ले रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल तो हम सभी जानते हैं कि बालों को नमी देने में, मॉइस्चराइज करने में, बालों को डैंड्रफ फ्री करने में बहुत अच्छा माना जाता है। अगर छोटा मोटा कोई फंगल इन्फेक्शन आपके बालों में है और जिसकी वजह से डैंड्रफ आपको परेशान कर रही है और उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो उसको खत्म करने में एलोवेरा जेल बहुत फायदेमंद होता है। ये एक नेचुरल हीलर होता है। पसीना आपको बहुत आता है जिसकी वजह से बाल चिपचिपे रहते हैं, या फिर फ्रिजीनेस बहुत ज्यादा बालों में आ गई है जिसकी वजह से बाल दो मुहे हो गए हैं, रुखे सूखे हो गए हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने में एलोवेरा जेल
काफ़ी इफेक्टिव होता है। और इसके साथ ही मैं जो सारे इंग्रेडिएंट इस रेमेडी में ले रही हूँ, ये सारे आपके स्कैल्प को थोड़ा सा इरिटेट करेंगे, क्योंकि ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं और स्टिमुलेशन के लिए हल्का फुल्का इरिटेशन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा खुजली करने की वजह से सेंसिटिविटी स्कैल्प में आ गई है, या फिर नेचुरली आप किसी भी तरह का कोई तेज़ इंग्रेडिएंट अपने बालों में नहीं लगा पाती हैं, तो उन लोगों के लिए एलोवेरा जेल यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस रेमेडी में एलोवेरा जेल मिलाने से बाकी सारी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाएगा और किसी भी तरह की जलन या इरिटेशन आपको फील नहीं होगा। इफेक्टिवनेस तो वही रहेगी लेकिन इरिटेशन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। और जो अगला इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में ले रही हूँ, वो इस रेमेडी का सबसे खास इंग्रेडिएंट है, और वो है एक खास ऑयल, और इसका नाम है मालकंगनी या ज्योतिषमति ऑयल। अगर आयुर्वेदा के अनुसार हम बात करें तो ये भी आपके बालों को तेजी से बढ़ाने में, आपके बालों को काला करने में, उनको गिरने से रोकने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जिससे कि किसी भी तरह का इरिटेशन हो, जलन हो, इन्फेक्शन हो, बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वो इसको यूज करने से खत्म होती है। और खास तौर पर आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करने में ये ऑयल बहुत इफेक्टिव होता है। जब भी बात होती है बालों को ग्रोथ देने की, तो मैं हमेशा दो ऑयल आप सभी को रिकमेंड करूंगी। एक है रोजमेरी ऑयल और दूसरा है मालकंगनी का तेल। ये दोनों ही तेल अगर सिर्फ और सिर्फ बालों को लंबाई में बढ़ाना आपका पर्पस है, तो जब भी आप कोई हेयर रेमेडी यूज करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ये दोनों ऑयल अपनी रेमेडी में जरूर मिलाएं। तो ये तो बात हुई हमारे सारे इंग्रेडिएंट की। अब इस रेमेडी को बनाना कैसे है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इस रेमेडी को एक सीरम फॉर्म में यूज कर रही हूँ, एक हेयर सीरम काइंड ऑफ हम बनाएंगे। और उस सीरम को बनाने के लिए आपको इन सभी चीजों को लेकर मिक्सर ग्राइंडर में बहुत बारीक पीसना है। और अगर बात की जाए क्वांटिटी की, तो एक मीडियम साइज की आपको प्याज लेनी है, और जितनी प्याज है उसका आधा आपको जिंजर या जिंजर रूट लेनी है। एलोवेरा भी आपको 5-10 ग्राम्स इस रेमेडी में लेना है। और अगर आप डायरेक्ट लौंग ले रहे हैं तो 10 से 12 लौंग आप इस रेमेडी को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी रॉ चीजें हुई, और इनको पीसने के लिए सारी चीजों को एक साथ मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें और बहुत बारीक पीस लें। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऊपर से मिला सकते हैं, जिससे कि आसानी से पीस जाए, सारी चीजों का रस निकल जाए अच्छी तरह से। और जब ये सारी चीजें एक बहुत बारीक पेस्ट बन जाए, तो फिर इसे छान कर इसमें से रस निकाल लें। मैं यहाँ पर सीरम फॉर्म में इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि ये लगाने में आसान होता है, आप इसको कभी भी कैसे भी आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पेस्ट फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, आपकी प्रेफरेंस इसको पेस्ट फॉर्म में यूज करना है, तो आप बिल्कुल इसका पेस्ट भी लगा सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इसका सीरम बना रही हूँ, और सीरम बनाने के लिए मैंने इसको छान लिया है, और अब ये हमको देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी में सीरम मिल गया है। और ये इतनी क्वांटिटी मीडियम लेंथ के बालों तक के लिए काफ़ी है, बड़ी आसानी से ये आपके बालों में लग जाएगी। और अब एंड में हम इसमें अपना ऑयल मिलाएंगे, जो है मालकंगनी का तेल, और वो भी आपको 1-1.5 चम्मच इस सीरम में मिलानी है। ये लगभग 10-15 ml सीरम हमारे पास है, और इसमें लगभग 1-1.5 चम्मच तेल आपको मिलाना है। क्वांटिटी अगर आपकी थोड़ी सी ऊपर नीचे भी होती है तो कोई बात नहीं, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये ऑयल मैंने इस सीरम में मिला दिया है, और आप इन सभी चीज़ों को आपस में मिला दें, और ये आपका एक बहुत ही अमेजिंग मिरेकल सीरम बनकर बिल्कुल तैयार है आपके बालों में लगाने के लिए। अब इसको आप या तो किसी स्प्रे बॉटल में भर के अपने बालों में लगा सकती हैं, या फिर किसी ड्रॉपर की हेल्प से, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ ड्रॉपर से लेकर बालों में लगाना, क्योंकि बूंद बूंद करके इस तरह से बालों में लगाना ये आसान होता है। आप किसी कॉटन बॉल की हेल्प से भी धीरे धीरे करके इसको अपने बालों में लगा सकती हैं, या फिर जो हमारा देसी तरीका होता है, सीधे अपने उंगलियों की पोरों में लें और धीरे धीरे बालों में लगाना शुरू कर दें। जैसे भी आपकी सहूलियत हो, अपने बालों की जड़ों से लेके अपने बालों के सिरों तक अच्छी तरह से इसको लगा लें, बहुत हल्की हल्की सी मसाज कर लें, और फिर 1-2 घंटे के लिए अपने बालों में इसको छोड़ दें।
इनिशियली आप जब इसको लगाना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तक बालों में ना रखें, क्योंकि इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट हैं थोड़े से तेज हैं। तो अगर आपका स्कैल्प इरिटेटेड है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ वगैरह है, या फिर बहुत ज़्यादा इचिंग की वजह से आपने खुजली उसमें कर ली है, तो आपको शायद शुरुआत में थोड़ी सी जलन हो सकती है। तो बिल्कुल भी डरे नहीं, कम देर के लिए इसको लगाएं और फिर धो लें, और फिर धीरे धीरे जब ये आपके स्कैल्प का इरिटेशन खत्म कर देगा, आप टाइम को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद फिर अपने बालों को धो लें, और जो भी आपका माइल्ड शैम्पू आप अपने बालों में यूज करती हैं वो यूज़ कर लें। आप देखेंगे कि पहले ही यूज से इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, इतने अच्छे इफेक्ट आपको अपने बालों में दिखेंगे, बाल इतने सिल्की हो जाएंगे, इतना अच्छा शाइन आपके बालों में आएगा, और पहले ही यूज से काफी हद तक आपके बालों का गिरना कम हो जाएगा। और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर आपको अपने बालों में ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। आप चाहे तो इस सीरम को रोज भी बना सकते हैं, फ्रेश बनाएं, फ्रेश यूज करें, वीक में 3 से 4 बार भी यूज कर सकते हैं। इसको आप बनाकर नहीं रख सकती हैं, क्योंकि इसमें ऑनियन है और ऑनियन एक टाइम के बाद बहुत तेज स्मेल करना शुरू कर देता है। तो ये तो थी आज की एक बहुत ही अमेजिंग मिरेकल सीरम, जो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको ये रेमेडी कैसी लगी ये जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए, ये वीडियो कैसा लगा अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इसको देख पाएं। इसको फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही मैं कोई इस तरह की अच्छी रेमेडी आपके साथ आगे शेयर करूँ, आप उसे देख पाएं और उसे फ़ायदा ले पाएं। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में इस तरह की किसी अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।